नताली स्काइवर 137 और कप्तान हीथर नाइट 106 के शानदार शतक के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने महिला विश्व कप के पांचवें मैच में मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ 378 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 377 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह इंग्लैंड का एकद वसीय में दूसरा बड़ा स्कोर है, वहीं महिला एक दिवसीय क्रिकेट में पांचवा सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की शुरुआत हालांकि धीमी और खराब रही, उसने 42 रनों पर ही अपने 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन इसके बाद नताली और नाइट ने टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 213 रनों की विशाल साझेदारी की। नाइट थोड़ा धीमी खेली, लेकिन नताली ने तेजी से रन बनाए। नताली ने 92 गेंदों का सामना किया और 14 चौके तथा 4 छक्के लगाए। नाइट ने अपनी पारी में 109 गेंदें खेली और 12 चौकों के साथ 2 छक्के लगाए। नाइट 255 के कुल स्कोर पर आउट हुई तो नताली 279 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौटी। अंत में डेनियल व्याट ने 27 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रनों की नाबाद तेज तर्रार पारी खेली। उनके अलावा फ्रांक विल्सन ने 19 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 33 रन बनाते हुए इंग्लैंड को मजबूत स्कोर प्रदान किया। पाकिस्तान की तरफ से अस्मावियर इकबाल ने 3 विकेट लिए। कायनात इम्तियाज को 2 और नासरा संधु को 1 सफलता मिली। महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ने रचा इतिहास, बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महिला क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड महिला टीम के द्वारा बनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड की महिला टीम ने 2016 में वॉसेस्टर के मैदान पर पाकिस्तान की महिला टीम के खिलाफ 5 विकेट पर 378 रन बनाए थे, जो इंग्लैंड की महिला टीम का सर्वोच्च टीम स्कोर है पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। वैसे महिला वर्ल्ड कप में भी किसी टीम के द्वारा बनाया गया यह दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले 1997 में मुंबई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 3 विकेट पर 412 रन का स्कोर खड़ा किया था।